जहां आपको अलर्ट था उसके बाद आप क्यों सोए रहे सरकार? सरकार यानी कि नीतीश कुमार और सरकार यानी कि उनकी अपनी सरकार, उनका प्रशासन भी। अगर वक्त पर जाग गए होते नीतीश कुमार, नीतीश सरकार, तो शायद आज छपरा में मासूमों की मौत का मातम नहीं होता। अगर खराब मिड डे मील के अलर्ट पर सरकार ने जरा भी ध्यान दिया होता तो शायद नहीं बुझते कई घरों के चिराग। 23 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। इसे देश की विडंबना कहिए या हिंदुस्तान में सरकारी कामकाज का तरीका, रिपोर्ट्स भी हादसे के बाद ही सामने आती हैं और सरकार भी बड़ी घटनाओं के बाद ही जागती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बिहार में मिड डे मील योजना के खस्ताहाली पर 3 रिपोर्ट तैयार हुई थी। वो तीनों रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते हैं। वो 3 रिपोर्ट्स कौन सी थी, किसके कहने पर वो रिपोर्ट्स तैयार हुई थी? जामिया मिलिया इस्लामिया, खाने की गुणवत्ता खराब थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के आदेश पर जामिया मिलिया इस्लामिया की एक टीम ने, रिसर्च टीम ने ये रिपोर्ट बनाई थी। खाने की मात्रा जरूरत से कम है ये बात भी जामिया मिलिया की टीम ने कही थी। खाने के मेन्यू में बदलाव नहीं होता है, यानी कि अगर खिचड़ी बन रही है तो कई कई दिनों तक खिचड़ी ही बनती थी। खाद्यान्न की कमी की अक्सर दिक्कत हुआ करती थी, खाना बनाने का खर्च बढ़ने से भी परेशानी होती थी। भागलपुर, पूर्णिया और पास के जिलों पर यह रिपोर्ट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की टीम ने सौंपी थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर। दूसरी रिपोर्ट एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट की है, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने तैयार की थी यह रिपोर्ट। बच्चों को परोसा गया खाना गर्म नहीं होता, खाने की गुणवत्ता से बच्चे खुश नहीं होते, यानी कि ठंडा खाना रहता है, ठंडा खाना वैसे भी नहीं खाना चाहिए, खुले में बनता है खाना और रखा भी खुले में ही जाता है, कोई भी जानवर उसमें गिर सकता है, छिपकली उसमें गिर सकती है, कीड़े गिर सकते हैं, किचन का इलाका काफी गंदा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दरभंगा, सहरसा और पास के जिलों पर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ ने यह रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को भी नजरअंदाज किया गया। एक और रिपोर्ट थी सीएजी की रिपोर्ट, 2009 में ये रिपोर्ट आई थी। हर महीने खाने की गुणवत्ता की चेकिंग नहीं होती, खाना कैसा है लेकिन उसकी कोई भी जांच पड़ताल नहीं होती है, ये बहुत बड़ी कमी थी और इस रिपोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि हर महीने खाने की गुणवत्ता की चेकिंग होनी चाहिए। गुणवत्ता और मात्रा की जांच का कोई सिस्टम ही नहीं था, ये भी बिहार सरकार को बता दिया गया था, रिपोर्ट सौंप दी गई थी लेकिन बिहार सरकार ने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। अगर कार्रवाई कर ली गई होती तो 23 बच्चे इसका शिकार नहीं होते। ज्यादातर स्कूल्स में किचन पर शेड नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया की रिपोर्ट में भी यही बात कही गई थी, यहाँ भी खुले में खाना बनता है। पीने के पानी की कमी और गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है, जाहिर सी बात है बीमारी की जड़ पीने का पानी भी है। बाईस बच्चों की कल तक मौत हो चुकी थी लेकिन गंभीर खबर यह आई कि एक और बच्चे की मौत हो गई है आज। इस बच्चे ने आज अस्पताल में दम तोड़ा। अब तक कुल मिलाकर 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये 23 बच्चों के अलावा 24 बच्चे अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, 3 बेहद गंभीर हैं। आईसीयू में इन तीनों बच्चों को रखा गया है। 24 बीमार बच्चों में 17 लड़कियां हैं और हालत इनमें से 3 बच्चों की और गंभीर बताई जा रही है। ये एक और गंभीर मामला है। 23 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, उनके आंसू नहीं रुक रहे, माओं के कलेजे फट गए हैं और अभी भी 24 बच्चे बीमार हैं। कुल यहाँ 31 भेजा गया जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे, 27 में से 2 का डेथ हो गया यहाँ आने के बहुत जल्द में ही, वो लोग बड़े क्रिटिकली इल थे। बाकी 25 में 1 लेडी है और 24 बच्चे हैं। 24 बच्चे सब अच्छे हैं, हाँ 23 खतरे से बाहर हैं, एक का अभी भी हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं, निश्चित नहीं है कि वो खतरे से बाहर है, कल से बहुत बेहतर है।